हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ टेक स्पीड्स। इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे ऑप्शन है जो दिखाएंगे आपको। उसमें से कुछ ऑप्शन है जो आपके काम आ सकते हैं, और इसमें से एक ऑप्शन है हेड मेल। कभी कभी सिग्नल नहीं देने लगता है, वो भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के ऑप्शंस में क्या क्या है। अभी जो भी ऑप्शन आपको बताएंगे उसमें आपको लॉक खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आप लॉक लगा हुआ रहेगा तब भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पंजाब बटन एक बार प्रेस करना है, उसके बाद ये पीडी बटन एक बार प्रेस करना है। फिर यहाँ आपको 5 नंबर में मशीन मेंटेनेंस है, उस वाले ऑप्शन में आके एंटर करना है। और फिर 4 नंबर वाले ऑप्शन में टेस्ट मशीन पार्ट्स है, उसमें आके एक बार एंटर करना है। मेरे पिछले 2 वीडियो में इस वाले ऑप्शन को तो आप देखे होंगे, लेकिन और भी जो ऑप्शंस हैं वो किस किस काम में आते हैं वो अभी तक बताए नहीं थे, तो इस वीडियो में यही बताएंगे। ये सबसे पहले जो ऑप्शन है टेस्ट पुल बार, ये तो अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, ये वाला मशीन स्टार्ट करने का स्विच रहता है उसको चेक करने के लिए वाला ऑप्शन है। मैंने पिछले 2 वीडियोस में इस ऑप्शन के बारे में बताया हूँ, अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दूसरे वाले ऑप्शन में चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट लिमिट स्विच। जो ओवर लिमिट एक तो फ्रेम में सेट किया हुआ रहता है वो वाला स्विच टेस्ट करने के लिए ये वाला ऑप्शन है। ये वाला फ्रेम आप देख पा रहे होंगे, ये वाला फ्रेम के दोनों साइड में एक्स का तरफ रहता है लिमिट स्विच और एक तो वाई का तरफ लिमिट स्विच रहता है। अगर दोनों को चेक करने के लिए यहाँ पर ही टेस्ट लिमिट स्विच दिया हुआ है ऑप्शन एक तो इसमें एंटर करना है। चेक करने के लिए वो लिमिट स्विच है उसको दिखाएंगे आपको। लिमिट स्विच कहाँ रहता है ये तो शायद आप देखे ही होंगे, तो चलते हैं लिमिट स्विच के पास। मेरा जो लिमिट स्विच है वो यहाँ पर ही है, और ये वाला है और ये एक्स का लिमिट स्विच मेरा है। तो इसको एक बार प्रेस करके देखते हैं कि ये सही है या नहीं आपको दिखाने के लिए। अगर लिमिट स्विच सही रहेगा तो आप जितना बार इसको प्रेस करेंगे वहाँ आपको मॉनिटर में बीप करके साउंड सुनाई देगा। और इसी तरह से वाई का जो स्विच रहता है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर ही दिखाने के लिए आपको एक्स का स्विच ही दिखाया क्योंकि एक्स का स्विच मेरे सामने में था। ये तो था लिमिट स्विच चेक करने के लिए। और चलते हैं तीसरे वाले ऑप्शन में, इसमें लिखा हुआ टेस्ट हेड सोलेनाइड। हेड में जो जंप सोलेनाइड रहता है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन से। यहाँ इस ऑप्शन में एंटर करने के बाद आपको यहाँ ये जो दिख रहा है आपको यही वाला जंप सोलेनाइड है, और इसी को चेक करने के लिए यहाँ जो 3 नंबर में ऑप्शन है यही चेक करने के लिए दिया गया है। उस ऑप्शन में एंटर करने के बाद आपको ये वाला चेक करने के लिए जो मशीन स्टार्ट करने के लिए जो डंडा आप मारते हो उसको आपको एक बार आगे की तरफ मारना है। आप अभी यहाँ देखे होंगे कि जो डंडा में मारा था तो ये वाला ये जो जंप सोलेनाइड है ये वाला अंदर जाके फिर वापस आ रहा था। अगर ऐसा काम करे तो सही होगा, और जो जंप सोलेनाइड खराब रहेगा वो अंदर जाएगा ही नहीं, वो वाला सिर्फ बाहर में ही रहेगा। जितना बार आप डंडा मारोगे ये वाला बाहर में ही रहेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने अभी जो जंक्शन हेड का कनेक्शन रहता है हेड कार्ड से उसको हटा दिया है, और आपको दिखाने के लिए यहाँ एक बार डंडा आगे की तरफ मार के देखते हैं। और मैं डंडा आगे की तरफ मारा था लेकिन ये वाला सिर्फ बाहर में ही था, ये अंदर नहीं जा रहा था, मतलब ये वाला काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये वाला इसका कनेक्शन जो था वो मैं हेड कार्ड से खोल दिया हूँ। तो जब खराब रहेगा जंक्शन हेड ना वो ऐसे ही रहेगा, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ ही रहेगा बस। तो अभी चौथे वाले ऑप्शन के बारे में देखते हैं, और जो 4th नंबर का ऑप्शन है टेस्ट टीबी डिटेक्ट, ये सिग्नल के बारे में है जो कि धागा कटने पर सिग्नल देता है उसी को चेक करने के लिए, हेड सिग्नल दे रहा है या नहीं। या फिर आप यूटीसी कार्ड खराब रहेगा तो आप यहीं से पता कर सकते हैं कि यूटीसी कार्ड खराब है या नहीं, और वैसे तो आप वहाँ हेड को खोलने के बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं उसको आसानी से। इसमें सबसे पहले एंटर करते हैं, तो वहाँ 4th नंबर के ऑप्शन में एंटर करने के बाद यहाँ आपको जो हेड का लाइट है वो हरा और लाल रेड और ग्रीन हो रहा है, इसी से आप यूटीसी कार्ड को चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा नीडिल है वो 8 नंबर पे है, आप देख सकते हैं इस वाले बॉक्स में, जो कि सबका नीडिल पोजीशन यहाँ दिखाता है 1 से लेकर 9 तक। अभी मेरा नीडिल 8 नंबर में है, जैसे कि मेरा नीडिल अभी 8 में है तो मेरे को 8 नंबर वाला चेक करना पड़ेगा। इसको देखिए अभी लाल हरा हो रहा है ना, तो लाल हरा हो रहा है, उसके बाद इसको घुमाने के बाद अभी सिर्फ हरा रह रहा है। और कभी कभी जो यूटीसी कार्ड में प्रॉब्लम आता है सुता उता भी नहीं करता है लेकिन लाल जलते रहता है, वो इसलिए होता है कि जो यूटीसी कार्ड में नोटो सेंसर रहता है। कोई कोई यूटीसी कार्ड में अगर कोई एक यूटीसी कार्ड का सेंसर अगर खराब हो जाएगा ना तो वही बार बार लाल जल जाएगा, कोई सा भी नहीं। मतलब अगर आपका जैसे कि 9 नंबर का अगर चल रहा है, अगर 9 नंबर का नीडल का सेंसर उड़ गया यूटीसी कार्ड का खराब हो गया तो हेड बार बार लाल जले जल के सिग्नल दे के रुक जाएगा मशीन। और इधर जो बाकी बाद में आपका रहेगा नीडल जो कि आप जो भी चलाइएगा 1, 2 नंबर 3 नंबर,
तो उसमें मशीन चलेगा, लेकिन तो उसमें से किसी एक का अगर सेंसर खराब हो जाएगा तो आपका नहीं मशीन बार बार सिग्नल देके रोक देगा। और कभी ऐसे होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका यूटीसी कार्ड का कोई सेंसर खराब हुआ है। तो जैसे कि आप इस वाले यूटीसी कार्ड में देख पा रहे होंगे नोटो सेंसर है ये वाला। सेंसर अगर खराब रहेगा किसी का और वही नीडल आप चलाओगे तो हर बार रेड जल के मशीन रुक जाएगा। इसमें से कोई भी खराब हो सकता है एक तो, मतलब ये नहीं कि सब एक ही बार में खराब होगा, लेकिन अगर बाई चांस जो आप नीडल चलाते हो वही अगर खराब हो गया सेंसर तो उस सिचुएशन में आपको पूरा का पूरा यूटीसी कार्ड ही चेंज करना पड़ जाएगा। और इसी ऑप्शन में एक तो और चीज चेक कर सकते हैं, जंप सोलेनाइड जो होता है उसको भी चेक कर सकते हैं। सिंपली आप जब इसको ये स्विच को ऑफ करोगे हेड को, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो जंप सोलेनाइड है यहाँ जो है वो हेड बंद कर देने से जंप सोलेनाइड अगर आपका सही रहेगा मूव करने लगेगा। जंप सोलेनाइड अगर आपका खराब रहेगा तो ये थोड़ा थोड़ा करके मूव करेगा, हल्का हल्का सा। उस सिचुएशन में भी जंप सोलेनाइड आपका खराब रहेगा, ये जंप सोलेनाइड सही है। अगर थोड़ा थोड़ा करके मूव होता तो खराब निकलता। तो इसी ऑप्शन में जो हेड का सिग्नल चेक करने वाला है इसी से आप जंप सोलेनाइड भी चेक कर सकते हैं। तो सब तीन नंबर वाला में भी सोलेनाइड जो है वो चेक होता था, लेकिन उससे अच्छा तरीका ये वाला है। इसमें आप एक एक करके चेक कर सकते हैं जंप सोलेनाइड हेड बंद करके इस वाले ऑप्शन में आने के बाद। चलते हैं अगले ऑप्शन में। ये ऑप्शन में पता नहीं क्या होता है लेकिन मेरा मशीन में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जब भी मैं एंटर कर रहा हूँ बाद फिर एग्जिट हो जाता है। तो ये वाला काम नहीं कर रहा शायद मेरा मशीन में। तो अगला ऑप्शन के बारे में देखते हैं। ये जो छः नंबर का जो ऑप्शन है टेस्ट एक्स फ्रेम, तो ये एक्स फ्रेम जो है आपको तो आपको पता होगा मेरे पिछली वीडियोज़ में देखे होंगे। तो एक्स फ्रेम जो कि ये वाला एक्स फ्रेम है और ये वाला वाई फ्रेम है, तो एक्स फ्रेम चेक करने के लिए ये वाला दिया गया है। फ्रेम का एक्स वाला जो मोटर है वो काम कर रहा है या नहीं वही चेक करने के लिए दिया है। अभी इसमें एंटर करके आपको दिखाते हैं। और इस ऑप्शन में एंटर करने के बाद जो एक्स वाला फ्रेम होगा वो थोड़ा वाइब्रेट करेगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है PD या PU, जो कि PD और PU बटन है, इसमें आप प्रेस करके जो वाइब्रेट जो करेगा आपका एक्स वाला फ्रेम उसको स्पीड जो है बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करेगा, थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं बढ़ रहा होगा PU बटन प्रेस करने से, ये जो PD है इसमें से इसमें कम होगा, स्पीड कम होगा। 400 में मेरा था तो 400 में ही रहने देते हैं। और उसके नीचे जो ऑप्शन है 7 नंबर में वो टेस्ट वाई फ्रेम, उसी तरह से वाई फ्रेम भी चेक होगा। तो एक्स का फ्रेम जो था उसी तरह से आप वाई का फ्रेम भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे और जो वाई का फ्रेम का मोटर होगा वो भी थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा। और यहाँ सेम वही तरीका से आप यहाँ वाइब्रेट करने का जो स्पीड है वो चेक कर सकते हैं। ये बस चेक करने के लिए, उतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप अगर सीख लेते हैं तो किसी दूसरे को दिखाने के काम में आता है। तो 7 नंबर वाले ऑप्शन का भी टेस्ट कर लिए, अब जो है 8 नंबर का है। लेकिन मेरा मशीन में जो 8 नंबर का ऑप्शन है और 9 नंबर का ऑप्शन है ये दोनों काम नहीं कर रहा है, मतलब एंटर करते ही फिर से एग्जिट हो जाता है। 9 नंबर का ऑप्शन भी एंटर करने के बाद फिर से एग्जिट हो जाता है, पता नहीं ये कौन सा ऑप्शन है लेकिन चेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है इसमें से 4 ऑप्शन को छोड़ के मेरा मशीन में सब ऑप्शन चेक करके आपको दिखाएं, और आप चाहें तो आप भी खुद से चेक कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट जरूर करना कि आप इनमें से कौन से ऑप्शन को पहले से जानते थे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मुझे और मेरे इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना।